जी क्या करें। फालतू में डर रहे थे, कोई भी नहीं है यहाँ। इस वक्त तो सारे सो रहे होंगे। बिजली, चुलबुली चाची जो कपड़ा अलमारी में रख रही थी वो बिल्कुल वैसा ही था जो काला साया ने। हाँ, तो क्या इसका मतलब चुलबुली चाची जी ही काला साया है? पर एक सेकेंड, चुलबुली चाची जी को ये सब करने की क्या जरूरत है? वो दादी जी को डराना क्यों चाहती है? कुछ तो बात है। युगा मानते कि उसे भूल हुई है, उसने ध्यान नहीं दिया, पर आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे गौरी का हाथ है, ये हम नहीं मान सकते। और कोई सबूत भी तो नहीं है। पछताओगी तुम, फिर बोलना मत मैंने वॉर नहीं किया। नहीं कहेंगे। खुश, युग जब बड़के पापा बदल सकते तो गौरी क्यों नहीं? और इस वक्त आपको गौरी पे शक करने के बजाय दादी जी के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएं। कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। नहीं पीनी। आपकी मर्जी। जो फिल्म देखे थे नाम का याद नहीं, उसमें हीरो बोलता है ना कि अगर पति और पत्नी के बीच में वो आ जाए तो फिर ऐसी आग लगती है ना जो बुझाए नहीं बुझती। कद क्रैप यार। आचार्य जी, दवाई। हमारा गुस्सा अपनी दवाई पे मत निकालिए ना, ले लीजिए प्लीज। ये दवाई भी कितनी अजीब चीज होती है ना, इतनी छोटी सी, इतनी बारीक, लेकिन एक बीमार इंसान को ठीक कर सकती है। लेकिन अगर यही दवाई गलत दे दी जाए तो एक अच्छे खासे इंसान को बीमार कर सकती है। ऐसे ही गलत फहमी है जो दो इंसानों के बीच में दूरी पैदा कर सकती है, दरार खड़ी कर सकती है। आचार्य जी, आपने सोचा है कि ये गलत फहमी जो हम दोनों के बीच में है किसने खड़ी की है? कौन है वो? कौन है? शर्मिला। उनके साथ जो भी कुछ हुआ उन्होंने अब तक आपको उसके लिए माफ नहीं किया है, और अब उनकी नफरत ने उन्हें इतना गिरा दिया है कि वो हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। उन्हें इस गर्क से निकालना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है आचार्य जी।
कली ये सब तुम मॉनिटर कर लो ना, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आप ही हमेशा कंप्लेन करते ना कि हम आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, काम में बिजी रहते, तो हमारे काम में आप हाथ बटाइए ताकि हम आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके। पर ये काम कोई और भी मैनेज कर सकता है ना, वो रामू काका को बोल दो। नहीं नहीं नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, उनके भरोसे छोड़ दिया तो हो गया काम खराब। आ क्या हुआ? आंख में कचरा चढ़ा गया। अरे साहब प्रॉब्लम मिल गया। अरे हो गया क्या? हाँ साहब हो गया। क्या प्रॉब्लम थी? ये कीले थे उसमें, घर में बच्चों ने खेल खेल में डाल दिए होंगे, आप ध्यान रखना। अब तो ठीक है ना, अब कोई गड़बड़ नहीं है ना? नहीं नहीं अब कोई गड़बड़ नहीं है, बस बच्चों से कहना है कि ऐसे चीजें वॉशिंग मशीन में ना डाला करें। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके। गीला मशीन में कैसे आया? दादी के पीठ पे जो निशान थे वो भी कुछ कीले जैसे ही थे। कली कपड़े किसने धोए थे? कपड़े तो हमने। दीदी हम तो ना, हमारी नौकरी मच्छी नहीं है। एक मिनट, उस वक्त बिजली आई थी, बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, और उसने हमें दादी जी को खाना देने के लिए भेज दिया था। बिजली, बिजली क्या चाहिए? क्या ये? की लग रहा है। हाँ वही है, ये मशीन में कैसे आए? हमको क्या पता। बकवास बंद करो, कपड़े तुमने ही धोए थे ना? ओ नो, लगता है जब हम चादर लेकर अंदर छुपे थे तब ये नेल्स गिर गई होंगी। बिजली जवाब दो। बिजली जवाब दीजिए, वरना दादी जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका इल्जाम आप पर आएगा। हमको कुछ नहीं पता, वैसे भी हम जब आए थे ना तो काली दीदी खुद ही मशीन में कपड़े डाल चुकी थी। हम तो सोचे कि काली दीदी की थोड़ी सी मदद कर देंगे ताकि वो अम्मा जी के साथ थोड़ा समय बिता सके। हमको थोड़ी पता था कि आप लोग हमी को तोड़ देंगे। हम कुछ भी नहीं किए, हम तो पूरे गरीब महिला है, हम काहे देवी समान अम्मा जी के साथ ऐसा करेंगे, हम उनको काहे नुकसान पहुंचाएंगे। अरे हम तो
सब खुद ही उनके एहसान के तले दबे हुए हैं। वही तो लाई थी हमको सड़क से उठा के इस घर में। हम भी पंडित की बेटी हैं, नमक हराम ही नहीं करेंगे। गरीब के पेट पे लात मत मारिए उनकी। बस बस बिजली, रोना बंद कीजिए, आप अपने कमरे में चले जाइए। गौरी, इनको कमरे में ले जाओ। चलो बिजली। वाव, नॉट बैड बिजली, आई मीन इतनी अच्छी एक्टिंग तुम कर कैसे लेती हो? यक, चोटी भी छेलो। एनीवे, एक बार हम इस घर की बहू बन जाए ना, उसके बाद हम तुम्हें अपना राइट हैंड बना लेंगे। दीदी, राइट बनाना चाहे लेफ्ट बनाना, बस हमारा पैसा बढ़ा देना। ये नौकरानी वाले नौकरी में ना हमारा गुजारा नहीं होता है। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। पर सुनो, उस काली से है ना थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। उसका शक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, हमेशा नजर रखेगी तुम पर, सो बी केयरफुल। नहीं नहीं, हम एकदम चौकन्ने रहेंगे। लेकिन अब करना क्या है? अब हम प्लान का फेज टू शुरू करेंगे। आए? नहीं, मतलब हम समझे नहीं। मतलब हमें इस घर के लोगों का भरोसा जीतना होगा। वाह, हमारी प्रिंसेस नौकरानी की तरह जी रही हो, या तुम्हें शर्म की पड़ी हुई है? अपने तेवर आप अपने पास ही रखेंगे ना तो ठीक रहेगा। हम ये पैसे अपने खर्चों के लिए नहीं मांग रहे थे आचार्य जी, घर के खर्चों के लिए जरूरत थी। एक फुटी खड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, चाबी वापस करो। ये लीजिए, हमें भी इसकी कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही को इंतजाम कर लेंगे। मानना पड़ेगा हमें अपने आप को, हमारी लगाई चिंगारी ऐसी आग भड़का देगी इसका तो अंदाजा भी नहीं था हमें। We'll be right back.
हाउ डेयर यू, मेरी दादी को मारना चाहती थी, हिम्मत कैसी हुई तेरी, जान से मार दूंगा तुझे, हिम्मत कैसी हुई तेरी, क्या किया तूने, क्या कर रहा, कैसे हुई तेरी। दादी को मारना चाहती थी। होश में आइए, बिना सोचे बिना समझे कुछ भी करने जा रही थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दादी मैंने अपनी आंखों से देखा, ये कुल्हाड़ी देकर गंदे इरादों से आपकी तरफ बढ़ रही थी। कुल्हाड़ी हम मंगाए थे पूजा के लिए। बिना सोचे बिना समझे कैसे भी रिएक्ट कर देते। रुको, इतना बवाल कर दिए हो तो पूजा खत्म होने के बाद ही जाओ, कपड़ा लत्ता बदल के आ जाओ, पंडित जी भी आने वाले। शुद्धिकरण का पूजा है कुल्हाड़ी के साथ। कुल्हाड़ी दोगी? कौन तरीका है कुल्हाड़ी थमाने का? बेवकूफ, मांग देखो। गौरी, युग के हरकत के लिए हम माफी मांगते। अब तो तुम ठीक हो ना? नहीं काली, रहने दो। हमने तो इतनी सारी गलतियां की हैं कि अभी ये सब तो हमारे साथ होना ही है, इल्जाम तो हम पे ही लगेगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, पूजा के लिए तैयार हो जाओ, हम यहां सब संभाल लेते हैं। तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। कुल्हाड़ी पर पैर पड़ना भी अशुभ होता है, और यह तो साक्षात बोध में आ गिरी। राम 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 राम।
ना हमने पहले कभी ऐसा देखा है ना सुना है। लगता है कोई बड़ी पापी आत्मा का इसके पीछे हाथ है।